कहानी का नाम है अनजान मोहब्बत भाग दो। होली वाले दिन के बाद से दिव्या को लगता था जैसे हर वक्त वह एक नशे में डूबी हुई है। अचानक से उसे जिंदगी बहुत हसीन लगने लगी थी। कभी कभी वह यूं ही आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखती और शर्मा कर रह जाती। ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुशियों का खजाना मिल गया हो। इधर प्रशांत के दिलो दिमाग पर भी हर वक्त एक खुमार सा छाया रहता था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए लगाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन सामने वाले के दिल की खबर उन्हें नहीं थी। प्यार में जब तक दोनों एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात स्वीकार ना कर लें, तब तक प्यार अधूरा ही रहता है। दिव्या सोच रही थी कि अगर प्रशांत भी उसे पसंद करता है तो जरूर पहल करेगा। प्रशांत ने भी मन ही मन सोच लिया था कि उसे पहल करनी ही होगी। इस बीच दिव्या के भाई अमर की शादी तय हो गई। शादी के कामों में प्रशांत ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी बहाने दिव्या और प्रशांत ज्यादा समय तक आसपास रहने लगे। समय बीतता गया, दोनों के दिलों में प्यार बढ़ता गया, लेकिन कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। इस बीच दिव्या की भाभी को एक बेटी भी हो गई। दिव्या ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। दिव्या और प्रशांत का मौन प्रेम दिनों दिन गहरा होता जा रहा था। दिव्या प्रशांत के प्यार के हसीन सपने देख रही थी कि तभी अचानक एक दिन खबर मिली कि उसके चाचा की लड़की ने लव मैरिज कर ली है। इस खबर से घर में तो मानो भूचाल ही आ गया। सभी लोग दिव्या की चचेरी बहन को भला बुरा बोलने लगे कि उसने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दिव्या के पिता ने गुस्से में भरकर कहा, हमारी भी तो बेटी है, मेरी बेटी ने कभी ऐसा गलत कदम उठाने के बारे में सोचा तक नहीं, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटी कभी मेरा सिर नीचा नहीं होने देगी। यह बात सुनकर दिव्या को तेज झटका लगा। वह भी तो प्यार की राहों पर आगे बढ़ रही थी। उसने मन ही मन सोचा, तो क्या उसके मन में जो कोमल भावनाएं अंकुरित हो चुकी हैं, उन्हें उसे कुचल देना होगा। उसके दिलो दिमाग में एक अजीब सी कसमकस चलने लगी। दिव्या के पिता को अपनी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के कदम बहक जाए, इसलिए उन्होंने आनन फानन में एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर दिव्या का रिश्ता तय कर दिया। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी तक उसे यह भी पता नहीं था कि प्रशांत उसे सचमुच प्यार करता भी है या नहीं। वह चुपचाप परिस्थितियों के आगे मजबूर होकर चली जा रही थी। अमर ने एक दिन प्रशांत को अपने घर पर बुलाया और बोला, तेरे लिए एक सरप्राइज है, तू जल्दी घर आ जाना। प्रशांत ने मन ही मन कुछ सोचा और दिव्या के लिए अपने दिल की भावनाओं से ओतप्रोत एक पत्र लिखा। पत्र में उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। उसे उम्मीद थी कि दिव्या उसे इनकार नहीं करेगी। उस पत्र को शर्ट की जेब में डालकर प्रशांत दृढ़ निश्चय करके घर से निकला। लेकिन जैसे ही वो दिव्या के घर पहुंचा, उसके सारे मंसूबे ढेर हो गए। वहां जाकर उसे पता चला कि आज दिव्या की सगाई है। प्रशांत अवाक होकर उसे देखता रह गया। कितनी सुंदर लग रही थी वो, लेकिन बस वह निश्चल मुस्कुराहट नहीं थी उसके चेहरे पर। न जाने उसकी मुस्कान कहाँ खो गई थी। दिव्या के चेहरे का दर्द प्रशांत के दिल में उतर आया और उसका चेहरा भी उदास हो गया। न जाने क्यों इंसान परिस्थितियों के आगे इतना मजबूर हो जाता है कि अपने दिल की बात तक नहीं कह पाता। इधर दिव्या की नज़र जब प्रशांत पर पड़ी तो उसने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए उसने अपनी नज़रें फेर ली, पर अंदर से उसका दिल जार जार रो रहा था। उसके मासूम से दिल के हजार टुकड़े हो रहे थे जिनकी चुभन से उसकी आंखों के कोर नम हो चले थे। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन आज वक्त उसे रोने की इजाज़त भी नहीं दे रहा था। क्या दिव्या और प्रशांत इस तरह से अपना प्यार खो देंगे, या अभी भी उनके लिए कुछ उम्मीद बाकी थी? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, और इसके लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई कहानी आप तक बिना किसी रुकावट के तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।